मैं डर गई थी ना पगली जी, सच में मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता है यार, इसमें कब अकला। तो गाइस 2:30 बज गई है और बस है ना, मैं सोने की तैयारी कर रही थी और आपको पता है क्रेजी ने क्या हरकत की है, वॉशरूम में जाके गेट लगा लिया और 10-15 मिनट हो गए, मैं इधर से आवाज दे रही क्या हुआ क्या हुआ, कुछ बोला ही नहीं, अंदर से चुपचाप बस सुना करना, मैं इतना गेट ठोक रही हूँ उसके बाद भी कोई रिप्लाई ही नहीं, मुझे देखना था मैं क्या करती हूँ, मैं गेट तोड़ देती, क्या बोला तूने, मैं गेट तोड़ देती ये फिर अच्छा लगता, ऐसा कोई करता है क्या, मैं डर गई थी ना पगली जी, सच में मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता है यार, इसमें कब अकल आएगी क्या पता, मैं सोचू इतनी देर कैसे हो गई यार, अंदर क्या हो रहा है, कुछ नहीं बोले ना, हाँ ना नहीं ना कुछ नहीं, चुपचाप घूम गए जैसे बैठे रहे ना अंदर, इतना गुस्सा तो आ रहा ना कि गला ही दबा दू, मेरे पे मोबाइल नहीं था अंदर, हुशार बना करना ज्यादा, ऐसे पागल जैसे हरकत अब करी तो करी, अब करना मत, नहीं तो मुंह में मुक्का मार दूंगी, बहुत मार लिया, बहुत ही पागल है यार सच में, मेरी नींद ही उड़ गई, अब सो जाना फोन रख के है ना, और मारा गम्मा को, गलती भी है और मेरे को मारना बोल सॉरी सॉरी बोल, अब ऐसी गलती नहीं होगी, बोल सॉरी, नहीं बोल बोल सॉरी कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, नो नो क्रेजी की कमजोरी है, सॉरी बोल, गुद गुद मत कर, सॉरी बोल दे, सॉरी बोल, अब ऐसी गलती नहीं, सॉरी सॉरी ने बोला, सॉरी ने बोला, देखा ऐसा इंसान कहीं देखा है, बहुत ही बेकार है सर, हाँ तेरा मार भी, तेरा इतना मार भी कौन, सॉरी बोल, वाह किसने ऐसी हरकत की थी, तो कितनी हरकत के लिए मार खाया, हरकत के लिए मार भी खाया हमने, देखो मार खाया इसलिए सॉरी नहीं बोल रहा है, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हर शहजादी व्लॉग, तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पर हमने अच्छे इसने रात भर कोई गुड मॉर्निंग नहीं, और ये सब झूठ बात है, इसने रात भर सोने नहीं दिया है, हम लोग रात भर से नहीं सोए, तो गाइस अभी ना सुबह की 6 बज गई है, 6:20 बजने वाली है और हम लोग ना रात भर से नहीं सोए हैं, पता है 4 तो सोते सोते ही बज गई थी, फिर कोशिश करी तो 5 बज गई, फिर भी नींद नहीं आई, तो फिर हमने सोचा कि सुबह मंडे है तो फिर मंदिर जाने के बाद ही सोएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, 4 बजे बोल रहा था कल पानी जल चढ़ाने जाना है शिव जी को, तो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना, नहीं सोते रात भर नहीं सोते क्योंकि सुबह तो उठने से रहे अपन, तो आप देखो 5 बजे तक तो सोए नहीं थे, 6 बजे सोएंगे फिर उठेंगे क्या, इसलिए मैंने बोला कि नहीं सोते अपन, तो मैंने कपड़े भी धो लिए, नहा भी लिए, अब बस क्रेजी को नहाना है, सारा दिन भर का काम रात में निपटाया, लोगों भी बोल रहे होंगे भाई इतनी रात में कौन कपड़े धो रहा है कोई इतनी जोर जोर से नहीं धो रहा, इसका नाम छतरी है, बस अब क्रेजी नहा ले फटाफट से, उसके बाद मंदिर जाएंगे, जब तक मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ, ऊपर से देख कर आते हैं सुबह सुबह का व्यू कैसा है, पता नहीं मुझे तो याद भी नहीं मैं कब इतनी जल्दी उठी थी, कब उठी थी शायद मेरी एग्जाम टाइम, नहीं जाना मंदिर तो सो जाना, मुझे थोड़ी ना कोई दिक्कत है, मेरे भोले के लिए तो मैं 4 दिन जाग लूं, बस तो क्या, मैं कपड़े डाल के आती हूँ, हम लोगों के पास 2 ही बकेट है, तो कपड़े एक में है एक में पानी है, तो कपड़े डाल कर आती हूँ, फिर वो खाली होगी, फिर पानी रख के क्रेजी की नहाने की बारी होगी, मैं तो ठंडे पानी से नहा लिया, पता है मुझे लगा कि नहा लूंगी, इतना ठंडा नहीं होगा, ठंडा बहुत ठंडा लग रहा था, बट क्या करूं, ठंडे पानी से नहीं ना, मैं लाती हूँ बाल्टी, ठीक है, यानी सुबह सुबह तो ना मैं सिर्फ मेरी एग्जाम टाइम उठती थी, और अब बहुत दिनों के बाद उठी, और देखो आप व्यू इतना प्यारा लग रहा है, सुबह सुबह उठने का भी मजा ही कुछ और है, इतनी अच्छी हवा चल रही है ठंडी, क्योंकि नाइट में बारिश हुई थी शायद, ढल गए, बहुत ठंडी लग रही है,
तो गाइज हम लोग रेडी है मंदिर जाने के लिए, और ना ना करते हुए भी केजी ने 8 बजाई थी, पता है 8 बज गई है। ये मेरी आरती भी रेडी है, चले खा लेते हैं, उसके बाद रील्स बनाएंगे। इसमें ने पोहे बनाए हैं, पोहे बन के रेडी है। आज हम लोग जल्दी उठ गए थे तो इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि खाना बनाने तक का भी सबर नहीं है हम लोगों को, इसलिए नाश्ता ही बना लिया अभी। खाना देखते हैं, अब शाम को ही बनाएंगे ना, अब तो रील्स बनाएंगे अपन, अब रील्स बनाएंगे हम लोग। गाइस क्रेजी ने कहा है कि आज दिन भर नहीं सोना है, तो अब देखते हैं कि क्रेजी की मतलब रात में भी नींद बची और अभी पूरा दिन भी जाएगा और डायरेक्ट शाम को ही क्या सोना होगा, देखते हैं। तो गाइस रील्स बना रहे थे फिर भी पानी आ गया, तो अब हम लोगों को नीचे जाना पड़ रहा है, कुछ बने ही नहीं। आ रही हूँ। तो गाइस रूम में ही बनाएंगे अब हम लोग वीडियोस। हालत कैसी हो गई देखो गाइस, दिन भर नहीं सोने के। क्या बोला था? मैं दिन भर नहीं सो, डायरेक्ट रात को यो ड्रेस भी नहीं चेंज करी, जैसे ही टेरिस पे से आए वैसे ही ढेर हम दोनों ही सो गए थे, अब उठे। तो गाइज मुझे तो वापस से भूख लग गई है, तो मैं खा लेती हूँ, थोड़े से पोहे बचे हैं वो। भूख नहीं कंट्रोल होती। तो गाइज क्रेजी को पता नहीं क्यों अभी तक भूख ही नहीं लगी, जबकि सुबह भी बहुत कम पोहे खाए थे। पता नहीं कैसा इंसान है भैया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो गाइज अब मैं खाना बना लेती हूँ, मैं बनाऊंगी आज चने की दाल और रोटी, आज चावल नहीं बनेंगे, ठीक है ना? बनेंगे चावल। नहीं बनेंगे? हाँ तो तू ही खा लेना, चावल वेस्ट होते हैं। जब बनते जब नहीं खाना, जब नहीं बनते जब चावल बनेंगे। अच्छा चावल कहाँ से वेस्ट होते, कहाँ से वेस्ट होते चावल, बच जाते तो तू उसको वापस से तड़का लगा देती है, और बच जाते चावल। बचेंगे तो नहीं लगाऊंगे। हाँ तो कहाँ से बच जाते चावल, तो बच ही नहीं सकते कहीं से कहीं तक। तुझसे कोई जीत सकता है? नहीं ना, जीत सकता है? नहीं ना, तू चुप रह। हार सकती है बता, मेरे से तो कोई नहीं जीत सकता। गाइज मेरा खाना बनके रेडी है, और गाइज मैंने क्रेजी को कहा कि अब खाना खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से बस नाश्ता ही किया है, तो बोले क्या कि तू खाना आजकल अच्छा नहीं बना रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो खाना नहीं खाना है। और उस वक्त क्या कहा था, नहीं चावल बनाना, चावल तो बनेंगे ही बनेंगे, नहीं तो नहीं खाना है, ऐसी आदत। इसीलिए मैं इसको इतना मारती हूँ, अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला इंसान है ये। उठ उठ मेरे शेर, उठ जा। तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं और आज हम लोग जल्दी खाना खाएंगे, हमारा खाना रेडी है, चने की दाल चावल और रोटी। तो गाइस अभी 10 बज गए हैं और मेरा पूरा काम हो गया, लगता है कि आज हम बहुत जल्दी सो जाएंगे। मेरा पूरा काम हो गया है, जब तक देखो अभी तक चल ही रहा है, आराम से नाटक देखते रहना, खाते रहना। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो। गुड नाइट, टेक केयर।